गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लासिक्स है और आप लोग इसमें बेसिक स्क्रैच पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों का ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग है। तो कैसे हम वीडियो गेम्स बनाते हैं, उसमें कैसे कैसे ऑप्शंस का अप्लाई करते हैं, तो उसमें आप लोग जो है लगभग पेज नंबर आप लोग 39 तक पढ़ लिए थे। और इसमें एक्सप्लेनेशन इसका बाकी था और फिर हम लोग मोव 5 स्टेप्स पढ़ेंगे और उसके भी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और साथ ही साथ चैप्टर 4 का पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन है इसका, जिसको आप लोगों ने कल पढ़ा था, यानी रिट्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट्स आप लोगों ने सैटरडे को पढ़ा था। तो रिट्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट जो आप लोग पढ़ लिए थे, उसका एक्सप्लेनेशन आज होने वाला है। तो चलिए आप थोड़ा रिमाइंड कर ले उसको कि रिट्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़े थे, जिसमें आप लोग रिपीट 50 लिए थे, मूव 5 स्टेप्स लिए थे, और कैसे जो है एक मतलब ऑब्जेक्ट कैसे फ्लाई करता है। हम लोग एयरप्लेन लिए थे, एरोप्लेन जो कैसे हवा में फ्लाई करता है, उसके लिए हम लोग स्टेप्स लिए थे। तो उसका एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखेंगे। रिपीट ब्लॉक इज यूज टू एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। तो रिपीट जो ब्लॉक है, वो जितने भी हमें स्टेटमेंट का ज़रूरत होता है, जितने भी स्टेटमेंट हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसको क्या करता है, मल्टीपल टाइम्स में रिपीट करता है। इसका यही काम है। हेयर मूव 5 स्टेप्स स्टेटमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड रिपीट 50 ब्लॉक सो। तो अगर आप अगर उसको 5 स्टेप में मूवमेंट उसका 5 स्टेप में कराना चाहते हैं, तो आप लोग उसको रिपीट ब्लॉक कितना देंगे, 50 देना होगा। हर स्टेटमेंट के लिए, हर एक स्टेप के लिए उसके नंबर जो है वो अलग अलग दिए जाते हैं। उसके बाद है विल एग्जीक्यूट 50 टाइम्स। तो वो उसका एग्जीक्यूशन 50 टाइम होगा, यानी 5 स्टेप हम लोग लेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन कितना होगा, 50 टाइम होगा। दिस विल मेक द एयरप्लेन मूव 250 यानी 250 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी 250 जो स्टेप है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको मूवमेंट कराने में वो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस विल मेक द एयरप्लेन, ये एयरप्लेन को क्या करेगा, 250 स्टेप्स में मूवमेंट इसका करवाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस कुड हैव बीन अचीव्ड जस्ट बाय यूजिंग मूव 250 स्टेप, बट दिस एग्जांपल इज टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्क ऑफ रिपीट ब्लॉक। तो ये सिर्फ एक ही चीज़ से संभव है, जो है कि रिपीट ब्लॉक, यानी रिपीट ब्लॉक से ये सारे चीज़ जो है, ये सारे कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से फिनिश हो जाता है। और जब भी आप कोई कार्टून देखते हैं, चाहे वो कार्टून चलते हुए दिखाई देते हैं या उड़ते हुए कोई चीज़ को दिखाया जाता है, तो सारा जो इमेजिनेशन किया जाता है, और आप लोग कार्टून्स में देखते ही हैं कि एक निर्जीव वस्तु एनिमेटेड होके वो एक सजीव वस्तु के तरह बिहेव करता है। इट मीन्स कि वो उसका हाथ पैर डोलता है, बोलता है, आवाज़ भले ही पीछे से आती हो, लेकिन क्या होता है, ऐसा आप लोग को दिखाई देता है। तो ये सब जो है इसी स्टेप्स के कारण जो है वो संभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मूव्स द एयरप्लेन फॉरवर्ड एंड एट द सेम टाइम टर्न्स इन स्लोली अपवर्ड फॉर टेक ऑफ। तो ये टेक ऑफ होने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में जो है नेक्स्ट एग्जांपल अब आप लोग देखेंगे कि कैसे ये एक लैंड पे होते हुए, जब वो लैंड पे होता है और वो टेक ऑफ करता है, ठीक है। With the airplane placed on bottom left corner, this code will make your airplane take off. तो अगर आप जो नेक्स्ट मैं कोड पढ़ाने वाली हूँ, अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आप, या कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है, तो एयरप्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए ये स्टेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, तो एक एयरप्लेन जो है वो लैंड से कैसे टेक ऑफ करेगा। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका,
नोटिस द टू मोशन ब्लॉक्स इन द रिपीट टू 20 ब्लॉक्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया गया है, नोटिस द टू मोशन ब्लॉक. ठीक है, यहाँ पे टू मोशन ब्लॉक लिया गया है. उसके बाद इन द रिपीट 20 ब्लॉक्स, यानी रिपीट 20 ब्लॉक्स में आप देख रहे हैं टू मोशन ब्लॉक को लिया गया है. इसमें क्या करना है, दो चीज़ करना है, मूव फाइव स्टेप्स जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले में किया था, तो मूव फाइव स्टेप और टर्न ऑफ 1 degrees. ठीक है, फाइव स्टेप्स में मूवमेंट होगा और 1 degree पे इसका क्या होगा, ये टर्न करेगा. ठीक है, और तब जाके एक टेक ऑफ का अच्छा पोजीशन बनेगा. दीज टू स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट टुगेदर 20 times, thus making the airplane move forward and turn slowly upward at the same time. एक ही समय में वो 1 degree टर्न करेगा और साथ ही साथ वो 5 step को लेते हुए टेक ऑफ करेगा. The airplane will take a smooth curve path upward. और वो देखिए, जैसे ही आप देखते होंगे टेक ऑफ करते हुए, तो वो धीरे धीरे पहले कुछ दूर तो ज़मीन पे चलता है. ठीक है, और तब जाके वो ऊपर ऊंचाई पे जाते जाते वो ऊपर उड़ता है. तो हमें ऐसा ही दिखाना होगा, ऐसा तो नहीं है कि अब ज़मीन पे है डायरेक्टली उसको उड़ा दिए, एक चिड़िया के तरह, है ना, एक बटरफ्लाई के तरह, ऐसा नहीं होगा. इसमें जैसे रियल होता है वैसे इसमें भी दिखाया जाएगा. द एयरप्लेन विल टेक अ स्मूथ कर्व पाथ अपवर्ड. ठीक है, व्हेन रिपीट 20 ब्लॉक एग्जीक्यूट कम्प्लीटली देन रिपीट 75 ब्लॉक विल मूव द एयरप्लेन अहेड 5 step 75 times, दैट इज 375 steps. देखिए वहाँ हम लोगों ने लिया था 50 रिपीट ब्लॉक जो है 50 हम लोग लिए थे, वो क्या हो गया था 250 हुआ था. यहाँ हम लोग ले रहे हैं 75, जो कि ये स्टेप चेंज हो रहा है 375 स्टेप्स में. ठीक है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ द रिपीट ब्लॉक विल शो द एयरप्लेन टेक ऑफ. अब इस दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तो आपको शो करेगा कि कैसे एयरप्लेन मूव जो टेक ऑफ होता है वो हो रहा है. तो साइड में, राइट साइड में आपके सामने बुक होगा 40 नंबर पेज में, तो आप देख सकते हैं कि व्हेन बॉक्स में स्पेस लिया गया है, कि प्रेस्ड रिपीट 20 है और मूवमेंट इसका 5 step है और टर्न है 1 degree. और उसके बाद आप नीचे में देख रहे हैं रिपीट क्या है, 75 है और मूव है 5 steps. ठीक है, तो ऐसा करने से ये इस बॉक्सेस में जो ब्लू कलर आपको दिखाया जा रहा है, उसके नीचे एक खाली सा बॉक्स होता है, उसमें वो सारे नंबर्स डालने होते हैं और वो सारा नंबर डालने के बाद जो है आपका ऑप्शन कंप्लीट होता है. जैसा कि आप अदर सॉफ्टवेयर में, अदर ऑप्शंस में स्टेप्स का इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार से इसमें भी ये चीज़ें सेम टू सेम है. और इसमें बॉक्सेस में सारे नंबर्स डाल देने हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा वो मूव करेगा. ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये स्टेप समझे होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आप लिख सकते हैं जहाँ पे अटेंडेंस बनाते हैं कमेंट सेक्शन में, आप लिख सकते हैं कि रिट्रिएशन जो है वो समझ में नहीं आया, तो फिर अगले दिन आप लोग को समझा दिया जाएगा. ठीक है, उसके बाद है एक इनफाइनाइट रिट्रिएशन. ये तो आप लोगों ने डायरेक्ट रिट्रिएशन ऑफ स्टेटमेंट देख रहे थे, और अब जो है वो है इनफाइनाइट रिट्रिएशन. तो इनफाइनाइट रिट्रिएशन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं. इसमें बेसिकली हम लोग शेप्स लेंगे, जो पिक्चर्स होता है, और कलर वगैरह चेंज करेंगे, और फिर इसको भी हम लोग मूवमेंट इसमें भी कुछ करेंगे. ठीक है, अब देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग एक वीडियो गेम के तौर पे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो ये सारे स्टेप्स का जो हम देखेंगे, जो भी चीज़ अप्लाई किया जाता है वो सारा हम लोग देखेंगे एक मूवमेंट के लिए ही. उसमें सभी ऑप्शंस में डिग्री लिया जाएगा, इसका साइज लिया जाएगा, है ना, और सब कुछ लेकर के जो है इसमें बदलाव किया जाएगा. आइए देखते हैं. इनसर्टेन सेंसनरी वी नाइट नीड अ स्प्रीट मूव और डू समथिंग माइट है सॉरी इनफाइनाइटली एज लॉन्ग
एज मेंशन एनिमेशन इज इन प्रोसेस। जैसे कि आप लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर उसमें पीछे जितने भी ऑप्शंस किए हम लोग एनिमेशन डाल रहे थे, तो उसी प्रकार क्या है, फॉर एग्जांपल रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का रिवॉल्यूशन जानते हैं ना आप लोग, सर्कुलर मोशन ऑफ द स्पिरिट और रेनफॉल। तो इसमें हम लोग जो करेंगे एग्जाम्पल के लिए दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, जैसा कि दिखाया जाता है कि कैसे उसका प्लैनेट का रिवॉल्यूशन होता है, फिर सर्कुलर मोशन दिखाया जाता है एक कार्टून के रूप में ही। अंतरिक्ष का कोई रियल सीन आपको नहीं दिखाया जाता है, एक कार्टून का रूप ही दिखाया जाता है। जब भी कोई ऐसा न्यूज़ देखते हैं या फिर आप कुछ पढ़ाई की बातें करते हैं और आपको दिखाया जा रहा हो तो वो रियल नहीं होता है, ठीक है। एंड स्पिरिट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी टाइप से और भी चीज़ें आप लोग को दिखाए जाते हैं। इनफाइनाइट रिटेरिएशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फॉर एवर ब्लॉक। तो इनफाइनाइट जो रिटेरिएशन है उसका इस्तेमाल हम लोग फॉर एवर ब्लॉक में करते हैं इन कंट्रोल कैटेगरी, जो कि कंट्रोल कैटेगरी में मिलता है या फिर होता है। लेट अस क्रिएट अ ट्विंकलिंग स्टार यूजिंग फॉर एवर ब्लॉक। अब एक ट्विंकलिंग स्टार, चमकते हुए स्टार का क्रिएशन किया जा रहा है कि कैसे दिखाया जाता है। एक कार्टून जब हम लोग बनाते हैं, एनिमेटेड स्काई होता है, एनिमेटेड स्टार्स होते हैं, तो कैसे वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसका जो क्रिएशन है वो हम लोग देखेंगे। तो सब्जेक्ट आप लोग को समझ में आ गया कि किस चीज़ के बारे में हम करेंगे, तो ट्विंकलिंग स्टार्स के बारे में करेंगे, ये है सब्जेक्ट। अब इसी को माइंड में रखते हुए आप लोग स्टेप्स पे ध्यान देंगे। पहला स्टेप है द स्प्रिट स्टार 3 फ्रॉम द स्प्रिट लाइब्रेरी एंड श्रिंक इन टू द मॉडरेट साइज। इसको एक मॉडरेट साइज में ले लेना है, ठीक है, स्टार को, और स्टार 3 लेना है, ठीक है। यूजिंग कस्टम टैब चेंज स्टार 3 कलर टू प्ले येलो। अब कस्टम टैब का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को क्या ले लेना है, चेंज स्टार 3 और साथ ही साथ उसके कलर को चेंज कर देना है, ठीक है, और कलर ले लेना है थोड़ा लाइट येलो, ठीक है। स्टेप थर्ड है इन स्प्रिट प्लेटी सेलेक्ट स्टेज फर्स्ट बैक ड्रॉप और गो टू बैक ड्रॉप टैब। तो यहाँ पे स्टेप 3 में बोला जा रहा है कि इन स्प्रिट प्लेटी यानी स्प्रिट प्लेटी में जाना है और आपको क्या करना है, स्टेज फर्स्ट बैक ड्रॉप चूज करना है, ओके, और फिर गो टू बैक ड्रॉप्स टैब, और फिर आपको जाना है बैक ड्रॉप्स टैब में, ठीक है। अगले स्टेप को, बस स्टेप को ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। आज मैं आपको जहाँ जहाँ डैश है वहाँ वहाँ फील करके पढ़ाऊँगी, तो शायद आप लोग समझ पाएंगे और भी बेहतर ढंग से। यूजिंग फिल विथ कलर टूल अप्लाई बैकग्राउंड सॉरी बैक ड्रॉप कलर। यूजिंग फिल विथ कलर, फिल विथ कलर का बॉक्स आप लोग देख रहे हैं और वहाँ पे एक छोटा सा फिल विथ कलर आप लोग नॉर्मली पेंट में भी पढ़े हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। आप अपने बुक में देखिए, दिखेगा, और साथ में उसका नाम भी लिखा हुआ है, फिल विथ कलर, ठीक है। इससे हम लोग कलर भरने का काम करते हैं, फील करने का। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इन स्प्रिट प्लेटी सेलेक्ट द स्प्रिट स्टार 3। स्प्रिट प्लेटी में जा करके हम लोग स्प्रिट स्टार 3 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप, एड व्हेन स्पेस की प्रेस्ड ब्लॉक फ्रॉम इवेंट कैटेगरी। तो यहाँ जो इवेंट कैटेगरी है उसमें हम लोगों को क्या करना है, स्पेस की प्रेस्ड करना है, ठीक है। अगला स्टेप है एड फॉर एवर ब्लॉक टू योर स्प्रिट फॉर फ्रॉम कंट्रोल कैटेगरी। तो यहाँ पे कंट्रोल कैटेगरी में जा करके हम लोगों को फॉर एवर ब्लॉक ले लेना है, ठीक है, जो कि आप वही बॉक्स, इसी बॉक्स में आप देख रहे होंगे, ठीक है। आपके सामने बुक है तो उसको ध्यान से देखते रहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप है एड सेट कलर इफेक्ट टू डैश ब्लॉक फ्रॉम लुक्स कैटेगरी एंड सेट इट्स वैल्यू 200, ठीक है।
इसमें 100 टाइप करने के लिए बोला जा रहा है, और इसमें जो है सेट कलर इफेक्ट टू डैश ब्लॉक, तो क्या ब्लॉक होगा बताइए। वेट, ठीक है। नेक्स्ट है एड वेट शेक्स ब्लॉक एंड सेट्स टू फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें एड वेट डैश, तो इसमें वेट जो है कलर आप लोगों ने देखा है, इसमें क्या होगा सेट कलर इफेक्ट टू कलर ब्लॉक, ठीक है। अब दूसरा है वेट सेक, तो वेट सेक में क्या होगा डैश है तो यहाँ पे फर्स्ट होगा ना। एड वेट फर्स्ट सेक ब्लॉक फ्रॉम कंट्रोल कैटेगरी एंड सेट सेक टू टू, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया, ये खाली स्थान पे वेट फर्स्ट होगा। अब दूसरा है लास्ट का स्टेप जो है एक ऊपर, एड चेंज साइज बाय डैश ब्लॉक, ठीक है। तो साइज क्या है बाय 10 ब्लॉक, ब्लॉक देख रहे हैं ना आप लोग, चेंज साइज बाय 10 लिखा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 10 ब्लॉक, ठीक है। लुक्स कैटेगरी एंड सेट इट्स वैल्यू टू -10, ठीक है। अब नीचे जो है उसमें चेंज साइज बाई में -10 भरना है, उससे पहले पॉजिटिव है यानी केवल 10 है। और उसके बाद लास्ट है आपका एड सेट कलर इफेक्ट टू डैश ब्लॉक, तो कलर में क्या होगा बताइए। कलर, ठीक है, कलर इफेक्ट टू कलर ब्लॉक फ्रॉम लुक्स कैटेगरी एंड सेट इट्स वैल्यू टू 200, इसका वैल्यू 200 लिया जा रहा है। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो उस बॉक्स में आप लोग ध्यान से देखिए कि गोल गोल करके वाइट कलर से घेरा हुआ है, तो पहले वाले खाली बॉक्स में वो गोल गोल वाला होगा और लास्ट वाला जो नंबर है वो सारा नंबर इसमें ऑलरेडी पिंक कलर से दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, प्रेस स्पेस बार टू रन द एनिमेशन। अब एनिमेशन को देखने के लिए आप क्या करें, प्रेस करें स्पेस बार को, और टू स्टॉप द एनिमेशन, एनिमेशन को स्टॉप करने के लिए क्लिक ऑन स्टॉप एनिमेशन आइकन अबव द स्टेज, स्टेज के ऊपर जो है स्टॉप एनिमेशन आइकन होता है उस पर क्लिक कीजिएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्विंकलिंग स्टार आप देखेंगे, चमकते हुए स्टार को, ठीक है। अब कैसे देखेंगे देखिए, यहाँ से तो ये सारा स्टेप हो ही गया, अब इसका एक्सप्लानेशन थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोग का टाइम देख लेती हूँ। चलिए 5-6 मिनट और है, अभी हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लानेशन, नोटिस दैट ऑल द ब्लॉक्स रिलेटेड टू स्टार्स, आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा और इसमें आप कर भी लेंगे कि जितने भी स्टार्स है वो रिलेटेड है किस चीज से, एनिमेशन आर प्लेस्ड इनसाइड फॉरएवर ब्लॉक, सो दीज आर विल एग्जीक्यूट टुगेदर एंड इनफाइनाइटली अंटिल द एनिमेशन इन स्टॉप। तो ये इनफाइनाइट इसीलिए है क्योंकि ये चमकते रहता है, उसको स्टॉप कीजिएगा तभी स्टॉप होगा। उसके बाद है द बेट ब्लॉक, दिस ब्लॉक आर यूज टू डिले द एनिमेशन अल्टरनेटिवली फॉर 1 and 2 सेकेंड टू ब्रिंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो वेट ब्लॉक में क्या होता है, ये थोड़े देर के लिए इसको डिले कर देता है यानी लेट चमकता है। आप अगर इसको देखें तो 1 और 2 सेकेंड के बाद जो है ये ट्विंकलिंग करना स्टार्ट करता है यानी चमकना, तो वेट ब्लॉक्स इसलिए होता है। और होता है एक द सेट ऑफ कलर इफेक्ट टू ब्लॉक, इसमें क्या होता है आफ्टर द फर्स्ट वेट सेट कलर इफेक्ट टू 100 ब्लॉक, ठीक है। सबसे हम बाद में क्या करते हैं 100 ब्लॉक डालते हैं कलर में, विल गिव अ लाइटर शेड, तो इससे एक लाइटर शेड मिलता है सेप को, ठीक है। टू द स्टार वाइल सेट कलर इफेक्ट टू 200, जब हम लोग फिर से क्या करते हैं इफेक्ट 200 डालते हैं, विल गिव अ डार्कर शेड, तो 100 डालते हैं तो क्या होता है कलर जो है वो लाइट कलर होता है यानी हल्का कलर, और उसमें आप नंबर ऑफ कलर में इसमें बॉक्स में जो है सेट कलर इफेक्ट टू ब्लॉक में अगर आप 200 डालते हैं तो उसी को वो डार्क कर देता है सेम कलर, ठीक है। तो यहाँ नंबर डालना पड़ता है कि आप हल्का ले रहे हैं या थोड़ा है ना शेड उसका डार्क ले रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अल्टरनेटिव
चेंज इन शेड विल प्रोवाइड ट्विंकलिंग इफेक्ट द स्टार. तो ये चेंजेस जो है वो आपका ट्विंकलिंग स्टार में मदद करेगा कि कैसे चमकते हुए स्टार दिखाई देते हैं, उसका कलर कैसा होना चाहिए. तो हम लोग किस चीज़ में करते हैं, द सेट ऑफ कलर इफेक्ट टू ब्लॉक्स. क्लियर है? अब चलिए अगला है, द चेंज साइज बाय ब्लॉक्स. दीज टू ब्लॉक्स आर सेट टू 10 and -10. अब साइज में जो है चेंज साइज, हम लोग साइज जो चेंज करते हैं स्टार का, उसमें 10 लेते हैं या और लेते हैं -10. दिस विल अल्टरनेटिवली इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ स्टार बाई 10 pixels. ये 10 pixels में क्या करता है, साइज को बढ़ाता है और घटाता है. देखिए आप नहीं इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि 10 लिया फिर -10 क्यों लिया. तो जैसे कि मान लीजिए पोजिशन होता है उसका 10, अगर स्टार है या कोई भी ऐसा चीज़ है तो उसका पोजिशन हम लोगों ने पहले लिया 10, ठीक है. तो 10 लेने से क्या होता है, उसका एग्जैक्ट साइज 10 ही है, लेकिन जब वो ट्विंकलिंग करेगा, जब वो उसका लाइट बढ़ेगा और घटेगा, यानी उस समय क्या होता है, वो छोटा होता है बड़ा होता है. आपको कोई भी चीज़ चमकता हुआ कैसे दिखाई देता है, तो चीज़ें यही है कि आपको जब चमकता हुआ दिखाई देता है तो वो बड़ा होता है, फिर जैसे ही उसका लाइट कम होता है तो वो छोटा होता है. तो वही चीज़ ना ट्विंकलिंग होता है. तो जैसे ही वो चमकता है तो हम लोग -10 और -10 क्यों लेते हैं, 10 लेते हैं ताकि वो एक्चुअल साइज में है, बड़ा साइज में है. और जैसे ही उसका ब्राइटनेस कम होता है तो वो -10 होता है, ठीक है. तो ये जो 10 और -10 है, तो इसी से आपको ट्विंकलिंग स्टार का पता चलता है कि कैसे वो चमक रहा है, ठीक है. तो साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है, इसी से आप जो है ट्विंकलिंग स्टार बना सकते हैं. तो मेन उसका जो रोल है वो इसी का होता है, ताकि वो चीज़ें हैं जो क्लियर होके आती है, ठीक है. यू कैन क्रिएट सेवरल डुप्लीकेट ऑफ स्प्रिट स्टार 3, श्रिंक देम टू टैनी स्टार एंड स्कैटर देम इन द नाइट स्काई ब्लैक ड्रॉप टू द शो ऑफ स्टार नाइट. तो हम लोग नाइट में जो है ऐसे चमकते हुए स्टार को, हम लोग एक स्टार लिए थे, बहुत सारे स्टार को ले करके एक एनिमेशन करके हम लोग जो है ट्विंकलिंग स्टार्स कर सकते हैं, ठीक है. ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों को इसका यूजेज बताया जा रहा है कि कैसे आप क्या लेंगे, कितने नंबर्स आप लोग डालेंगे तो क्या होगा, और तब जाके एक फाइनल पिक्चर बनता है. जैसे कि आप एक आदमी का ही पिक्चर बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, गर्दन बनाते हैं, यानी गला, हाथ बनाते हैं, पैर बनाते हैं, इस प्रकार से पूरा बॉडी आप लोग बनाते हैं, तो एक एक स्टेप में बनाते हैं, डायरेक्टली तो नहीं बना देते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एक स्टेप में हर चीज़ को क्लियर किया जा रहा है, ताकि आप इसको देखें समझें और जितने भी स्टेप्स हैं उसका अप्लाई करके कम से कम एक चीज़ को आप लोग अच्छे से बना सके, ठीक है. और जैसे भी ये सारे चीज़ का इस्तेमाल करना एक बार आ गया तो आप हर बार किसी भी पेंटिंग में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग में, सॉरी पेंटिंग नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग में आप कर सकते हैं. जैसे कार्टून्स बनाए जाते हैं तो कोई भी कार्टून आप अपने इच्छा के अनुसार बना सकते हैं. तो एक बार आपको ऑप्शंस का अप्लाई करने आ जाए तब ना, इसीलिए. अब मान लीजिए कलर चेंज हुआ है, तो कलर चेंज आप इसमें किए हैं, आप जितना भी आप कीजिएगा ऑप्शन उसमें कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपका आज मैं इतना ही रहने देती हूँ. आप लोग फिर क्या करेंगे, पेज नंबर 42 और 43 अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है. जनरेटिंग रैंडम नंबर्स है, उसके बाद गाइडेड प्रोजेक्ट है, माय फर्स्ट गेम इन स्क्रैच. आप देखिए माय फर्स्ट गेम इन स्क्रैच, एक पहला गेम जो है वो तैयार किया जाएगा. तो पीछे जितने सारे ऑप्शंस हम लोग पढ़े हैं उसका अप्लाई करके एक गेम जो है छोटा सा बनाया जाएगा. तो आप लोग क्या करें, ये दोनों पेज नंबर को अच्छे से रीड कर ले और नेक्स्ट डे एकदम इसको अच्छे से करके आए, ताकि मैं आपको जो भी ऑप्शंस पढ़ाऊँ आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप इंटरेस्ट ले तो, है ना. तो इसको समझ लीजिएगा तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, ठीक है. और बहुत ही अच्छे लेवल का है ये. आप लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे थे ना, उसका एक सबसे मेन चैप्टर कह लीजिए बहुत ही अच्छे लेवल का है. आपको एक्स्ट्रा जानकारी ये सब स्क्रैच में दिया जा रहा है, पहले ये सब चीज़ बहुत कम डाला जाता था, ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग.